अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रो को कॉलम जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। कॉलम को रीसाइज कैसे कर सकते हैं वो हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम रो को कैसे रीसाइज कर सकते हैं। अभी इस टाइम जिस रो में मेरा कर्सर है वो है रो 3, और जिस सेल के अंदर मेरा ये जो ग्रीन डब्बा हुआ हुआ है, ये जो सेल है वो है A3। यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में नेम शो हो रहा होता है। अब इस टाइम रो 3 में अगर मैं कहूँ कि मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊँगा तो देखें इस तरह प्लस का साइन आ जाएगा। आप इस प्लस के साइन को ड्रैग डाउन करेंगे तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गया, आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली ये हाइट जो है इसकी कंट्रोल कर रहा है, और आपको देखें ये यहाँ ऊपर इंफॉर्मेशन भी बता रहा है इसकी हाइट जो है वो इस टाइम कितनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एक और जगह से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वह है सेल। अब यहाँ सेल के इस एरिया में आप सेल की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि आप रो की फॉर्मेट को कैसे, कॉलम की फॉर्मेट को कैसे जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने लगेंगे आप रो की हाइट को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज। आप यहाँ पर इंटर करेंगे, आप रो के साइज़ को बढ़ा लें, जैसे इस टाइम 33 है, हमें चलें इनसे इंक्रीज़ करके 48 पे ले जाते हैं, ये 48 पे चलिए इंक्रीज़ होगी। यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर जितना डेटा इंटर होगा उसके मुताबिक जैसे एडजस्ट कर लेगा। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कॉलम के अंदर हमने डेटा लिखा था और उसे हमने सेट किया था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑटो फिट भी हो गया था उसके साथ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको जो है वो डेमो देख के भी दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी अपने कर्सर के जरिए लिख सकते, ये हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ MONDAY मंडे, ठीक है। अब मंडे का साइज़ जो है वो मोर देन इनफ है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ क्या करेंगे ये मैंने आपको बताया था, हम फोन से साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ से मैं इंक्रीज़ करके इसे ले जाता हूँ, ठीक है, मंडे को 26 के ऊपर। अब ये 7 वालों में भी जा रहा डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को मैं अलाइनमेंट भी दे देता हूँ इसकी, ठीक है, मिडवे अलाइनमेंट दे देता हूँ और इसको टेक्स्ट रैप कर देता हूँ। अब ये बॉक्स के अंदर, ठीक है, रैप टेक्स आ गया, मतलब उसी बॉक्स के अंदर आएगा। और ये रैप टेक्स क्या होता है, इसे हम जब ये पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि रैप टेक्स क्या होता है, ठीक है। अब ये जो आई है चीज़, अगर आपको फिर भी रैप टेक्स के बारे में भूल जाए, आप यहाँ कर्सर लेके जाएंगे, आपको मजीद इसकी डिटेल देगा कि कह रहा है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इंटू अ मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल इट। अगर ये ज़्यादा में चला गया, जैसे हमने यहाँ मंडे लिखा था, ये इधर भी चला गया था, तो आप रैप टेक्स करेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सेल के फॉर्मेट में आएंगे, आप जैसे ही ऑटो फिट में करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली उसकी फिट कर देगा हाइट, बिल्कुल जितना अंदर डेटा लिखा होगा उसके मुताबिक, ठीक है। बकाया से रिलेटेड जो MCQs होंगे वो सॉल्व करेंगे, मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, वो बात ये थी कि अगर आपको भूल जाए कि आप इसकी हाइट कहाँ तक, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक आप इसकी हाइट जो है मेंटेन कर सकते, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ कोई भी रैंडम नंबर लिखें और ओके करें, तो आपको बता देगा कि आप 0 से लेके 409 तक मैक्सिमम जो है इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस जो बॉक्स है जो बना हुआ है, जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साफ वजाहत कर रही है कि सेल की चीज़ों को कंट्रोल करेगा। यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और फॉर्मेट से पहला फॉर्मेट तो हमें पता है कि रो की साइज़ को, कॉलम की साइज़ को, डिफ़ॉल्ट में ही है कि ओवरऑल सारों का जो है ना बिल्कुल एडजस्ट कर देगा, सब पे वही हो जाएगा। हाइड अनहाइड को हम अपनी इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रीनेम शीट को मैंने आपको 2 या 3 तरीके बता दिए कैसे रीनेम कर सकते हैं। कॉपी से क्या होता है, अगर आपने 2-3 शीटें खोली